वेलकम टू वर्चुअल फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। और बच्चों आपको मालूम है कि 22 डेट को जो है वो PMA 153 लॉन्ग कोर्स का पहला इनिशियल टेस्ट है और दिन जो है मेरे ख्याल में 2 से 3 ही बच गए हैं। तो आप इन्हीं डेज़ में तैयारी जो है वो आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए बेटा हमने आज आपके लिए ऐसे एकेडमिक क्वेश्चन का अरेंज किया है कि जो हर बार रिपीट होते हैं और इन क्वेश्चन में से बहुत ज़्यादा सवालात हर बार PMA के टेस्ट में इनिशियल में स्पेशली एकेडमिक पोर्शन में आते हैं। जो जो बच्चा चैनल पे न्यू है वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 22 डेट से ऑनवर्ड आपको इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंसेस मिलते रहेंगे तमाम सेंटर्स के। तो चलिए आज हम PMA 153 के जो मोस्ट रिपीटेड एकेडमिक है उनको प्रिपेयर करते हैं। और अगर आपने ये बेटा एकेडमिक छोड़ दिए, इन क्वेश्चंस को छोड़ दिया, तो आपके टेस्ट में आपको मुश्किल होगी। अगर इनको प्रिपेयर कर लिया तो आपके टेस्ट में इंशाल्लाह इजीली पास करने जितने मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट आउट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द मदर ऑफ इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होता है। इस वीडियो में बेटा हम इस्लामिक स्टडी, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और इंग्लिश के और मैथ के जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो सारे आपको डिस्कशन के साथ बताएंगे। तो हज़रत इस्माइल की मदर का नाम क्या था? हाजरा। नेम ऑफ मदर इसहाक अलैहिस्सलाम। आपको ये कन्फ्यूज़न हो जाती है अक्सर, ये दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये नाम जो है वो मिस ना हो जाएँ, डबल माइंडेड ना हो जाएँ कि यार हज़रत सारा किन की वालदा का नाम है और हज़रत हाजरा किन का है। तो ये आपने गौर से देख लेना है। ग्वादर पोर्ट बार्ट फ्राम, ग्वादर जो है वो किस से ख़रीदा गया है? तो ओमान से। ठीक है, फर्स्ट गजवा ऑफ इस्लाम, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इज़ विधान, आंसर इज़ आर करेक्ट आंसर विधान, गजवा विधान। इंडिया इज़ माई ड्रीम है, ठीक है, तो ये आप लिखा गया, इसको करेक्ट कीजिएगा, इज़ माई ड्रीम इज़ रिटन बाय गांधी। ठीक है, ये गांधी ने बुक लिखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। बिगेस्ट पोलो ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन, वर्ल्ड का ये नहीं पूछा गया कि पाकिस्तान का बिगेस्ट पोलो ग्राउंड इन द वर्ल्ड इज़ शानदोर टॉप गिलगित में है। हाउ मैनी प्लेयर्स इन बेसबॉल, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और हर सेंटर में ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है कि बेसबॉल के कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 9 इज़ आर करेक्ट आंसर है। अदर नेम ऑफ गजवाए बदर, गजवाए नेम का दूसरा नाम क्या है? फुरकान। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, लास्ट टाइम ये सेंटर लाहौर में बहुत ज़्यादा बार देखा गया है। तो यमम का मतलब क्या है? ड्राई एब्लिशन। ठीक है, मीनिंग ऑफ उर्दू इन तुर्किश लैंग्वेज, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इज़ आर्मी। विच वाइटामिन डू वी गेट बाय सनलाइट, किसको, कौन सा वाइटामिन ऐसा है जिसको हम जो है वो सनलाइट से ऑब्टेन करते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है, मतलब कि ये जनरल साइंस से क्वेश्चन आता है, एग्जैक्टली बायोलॉजी का नहीं होता, क्योंकि इसमें FA वाले बच्चे भी अप्लाई करते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होती। इस तरह जनरल साइंस के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करें तो वाइटामिन डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। विच कंट्री हैज़ नो कैपिटल, कौन सा कंट्री है जिसका कोई कैपिटल दारुल खिलाफा नहीं है? नारो ऐसा कंट्री है जिसका कोई दारुल खिलाफा नहीं है। तो और एक और ये क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि शॉर्टेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सा है दुनिया में, तो आपने कौन सा है, ये भी यही नारो ही हमारा करेक्ट आंसर है। इंडिया वाटर ट्रीटी डेट 29 सितंबर 1960, ठीक है, तो ये हमारे पास इंडस वाटर जो ट्रीटी है, इंडस वाटर माहदा जो है वो कब हुआ? 19 सितंबर को। ठीक है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया टॉम, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, लास्ट टाइम इज़ मोस्ट रिपीटेड इन कराची, तो ये कराची के सेंटर्स में काफ़ी ज़्यादा बार देखा गया, तो मुल्तान हमारे पास करेक्ट आंसर है। अच्छा बेटा, दूसरी बात हम एक आपको छोटी सी वीडियो में बताता चलें कि जो जो बच्चा PMA 153 लॉन्ग कोर्स या इनिशियल टेस्ट के बारे में परेशान है, टेस्ट नज़दीक आ गया और तैयारी बिल्कुल कम है, तो बेटा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, PMA इनिशियल टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरी टाइम, मोस्ट रिपीटेड नोट्स, पास्ट पेपर, वीडियो लेक्चर्स, ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस एंड नोट्स अवेलेबल। नाउ व्हाट्सएप 03497470489। जो जो बच्चा PMA 153 का टेस्ट नज़दीक आ गया है, तैयारी कम है या नहीं है या ना होने के बराबर है, ये देख रहा है कि मैं बाद में करूँगा, तो परेशानी की बेटा ज़रूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह आपको PMA 153 लॉन्ग कोर्स के आपको कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड इंटेलिजेंस 200 क्वेश्चन की बेटा कंबाइन किया गया, 200 क्वेश्चन को जो कि लास्ट 5 ईयर्स में मोस्ट रिपीटेड हैं, 200 क्वेश्चन वर्बल के हैं, जिनको आप पास कलेक्ट करेंगे, उनको आप प्रिपेयर करेंगे तो आप 50+ मार्क्स उसमें अपटेन कर सकते हैं इंशाल्लाह। और अकेडमी के लास्ट 5 ईयर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बेटा कंबाइन करके एक PDF बनाई है जो कि 700 to 900 क्वेश्चन के दरमियान बनती है।
तो उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। एकेडमी का आपका इजीली 30+ मार्क्स लेके वहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीटीओ लास्ट टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आए हैं, और इस बार उसमें अपडेशन की गई है, अपडेट किया गया है, न्यू उसमें क्वेश्चन डाले गए हैं। तो जो जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो अभी व्हाट्सअप करें, इसमें हम वीडियो लेक्चर्स भी देंगे और 20% डिस्काउंट भी देंगे आपको। आपने ये लाजमी बताना कि हम आपके यूट्यूब चैनल के व्यूअर हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करें जिनसे आप इनिशियल टेस्ट अपना इजीली क्लियर कर पाएँ। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान का क्या टाइटल था, क्या खिताब था, उनको क्या जाना जाता था, ज़ुन्नूरैन और जामिउल कुरान, ये दोनों आपके टाइटल थे। जो एक ही होगा जो आपके टेस्ट में आएगा तो वो एक ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रेजिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान, तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पहले कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के जो है वो फर्स्ट प्रेजिडेंट थे। लेंथ ऑफ क्रिकेट पैच, ठीक है, आपने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पनू अक्कल सेंटर में लास्ट टाइम ये रिपीट हुआ है कि जो है क्रिकेट के बैट की लेंथ कितनी होती है, 38 इंच। आंट नेम ऑफ होली प्रॉफिट, ठीक है, तो उम्मे हकीम बिनते मुतलिब। रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी, इमाम बुखारी का असल नाम क्या था, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल, ये वो है वो इमाम हैं जिन्होंने सही बुखारी यानी कि अहादीस की सबसे बड़ी किताब का मजमूआ लिखा है। हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कश, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लास्ट टाइम, मोस्ट रिपीटेड इन गिलगित सेंटर, तिरचमीर हमारे पास करेक्ट आंसर है। शाहजहां मस्जिद शाहजहां मस्जिद कहाँ है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ठट्ठा है, ठीक है, ठट्ठा में ये मौजूद है। और बकरा डैम इज़ ऑन विच रिवर, बकरा डैम कौन से दरिया पे वाक़ है, तो सतलज डैम पे, ये सतलज रिवर पे ये जो है वाक़ है डैम। लोवड़ी पास कनेक्ट, लोवड़ी पास किस चीज़ को कनेक्ट करता है, पेशावर विद चित्राल एंड दीर। फॉस्टर सिस्टर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपकी सौतेली सिस्टर बहन का नाम क्या था, हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। चोलिस्तान डेजर्ट इज़ इन लास्ट टाइम, ये क्वेश्चन जो है लाहौर सेंटर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो बेटा ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ऐसे आएंगे और आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो जो बच्चा बेटा तैयारी के रिलेटेड परेशान है या वो लेक्चर्स को समझ नहीं पा सकता है, इतना टाइम नहीं है कि वो लेक्चर सुने, तो वो नोट्स ले लें, एफोर्डेबल अमाउंट में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे विद डिस्काउंट 20%, मैंने आपको पहले भी बताया है। और कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पीटी, ये तो वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेजेस कवर कर दूँगा, बट 47 पेजेस हैं, तो आपने कंप्लीट प्रिपेयर करने हैं, तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर मेरा आपको नीचे भी नज़र आ रहा होगा, तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको टेस्ट में, और इजीली क्लियर हो जाएगा अच्छे मार्क्स लेके, ठीक है। ऑथर ऑफ बुक हेलमेट इज़, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मुजफ्फराबाद सेंटर में। शेक्सपियर, कैपिटल एंड करेंसी ऑफ अल्जीरिया, अल्जीरिज एंड दिनार। अच्छा, कैपिटल और करेंसी वाले जो है ना, लास्ट टाइम से यानी कि जो पिछली बार PMA 152 के इनिशियल टेस्ट हुए थे ऑल सेंटर्स में, तो बेटा बहुत कम आए हैं, ये ना होने के बराबर, यानी कि पहले ये बहुत ज़्यादा आते, 5-7 क्वेश्चन आते थे, बट अब ये जो है बहुत कम क्वेश्चन आने लगे हैं, क्योंकि कैपिटल कुछ अपडेट किया गया है, कुछ न्यू चीज़ें डाली गई हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं आते अब, ठीक है। बाकी केयरफुली इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कैस्पियन सी। मैनचेस्टर लेक इज़ इन, मैनचेस्टर लेक कहाँ पे है, ब्रिस्बेन, क्यूसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल ऑफ जर्मनी, बर्लिन। अच्छा, मैं कल हमारे पास एक स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाई है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वो फॉरिजन के तौर पे जो है ना अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैपिटल ऑफ कतर, कतर का कैपिटल बताइए, तो कतर का कैपिटल क्या है, दोहा, ठीक है। शेर शाह सूरी वाज बरीड इन, शेर शाह सूरी को कहाँ पे दफनाया गया है, ससराम शहर है इंडिया का, वहाँ पे। रेड क्रॉस हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। और लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, किसका दुनिया का सबसे बड़ा कानून जो है वो इंडिया का है, 444 आर्टिकल्स हैं इसमें। फतह मक्का डेट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ ऑल सेंटर्स, ठीक है, तो 20 रमज़ान 8 हिजरी, ठीक है, ऑलमोस्ट हिजरी में पूछा जाता है, तो 8 हिजरी करेक्ट आंसर है। लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके सीट ऑफ नेशनल असम्बली, नेशनल असम्बली में कितनी सीट्स हैं टोटल, 342।
हज़रत मरियम इज़ द मदर ऑफ, हज़रत मरियम किन्स की वालदा थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। व्हाट वाज़ द एज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही पुट ब्लैक स्टोन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी, उम्र कितनी थी जब आपने हिजर अस्वद को नसब किया था, तो ब्लैक आपकी उम्र थी 35 साल, 35 ईयर्स। पाकिस्तान वन चैम्पियन ट्रॉफी इन विच ईयर, पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफी कब विन की, तो ये आपको 2017 ही मिलेगा, 2020 की सीजन में तो कुछ नहीं जीता इन्होंने। विच पिक्चर इज़ ऑन द बैक ऑफ द 5000 नोट, 5000 के नोट की बैक साइड पे किसकी तस्वीर है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, फैसल मस्जिद। व्हेन डू वी सेलिब्रेट कश्मीर डे, कश्मीर के दिन को कब मनाते हैं, 5 फरवरी। पाकिस्तान कैपिटल शिफ्ट टू इस्लामाबाद इन विच ईयर, 14 अगस्त 1967 में जो है वो कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया था कैपिटल को। हु गेव सजेशन ऑफ सुलह हुदैबिया, तो किसने जो है सुलह हुदैबिया की जो है मशवरा दिया था, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया था कि सुलह हुदैबिया की जाए। विस सूरत स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह, कौन सी सूरत ऐसी है जो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ये लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी सेंटर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ लास्ट टाइम। विच सूरत हैज़ टू बिस्मिल्लाह ट्वाइस, नमल, सूरह नमल में 2 बार बिस्मिल्लाह ही है। नेम ऑफ बुक चौधरी रहमत अली, एमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान, अभी नहीं तो कभी नहीं इन्होंने बुक लिखी थी। तो बेटा नोट्स को लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका इनिशियल टेस्ट इजीली क्लियर हो जाएगा अगर आप कंप्लीट नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। हम आपको इंटेलिजेंस भी देंगे, वर्बल नॉन वर्बल, एकेडमिक भी देंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे और डेली बेसिस के एक्सपीरियंसेस भी देंगे। एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे और बाकी तैयारी अच्छी करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी नोट्स लें, हाँ अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह टेस्ट इजीली क्लियर होगा, इस बात की मैं श्योरिटी दूंगा आपको। वाइल अगर आप नहीं लेना चाहते नो इशू, किसी बुक को प्रिपेयर करें तो अच्छे से करें। बेनज़ीर वाज किल्ड इन विच सिटी, बेनज़ीर को कब कत्ल किया गया और किस सिटी में कत्ल किया गया, रावलपिंडी में जो है इनको कत्ल किया गया था 27 दिसंबर 2007 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हो बिल काबा ओरिजिनली, काबा को किसने ओरिजिनली जो है बनाया था, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। ये कुरान पाक में भी वाकया है कि हमने इब्राहिम को कहा कि ज़मीन पर हमारा घर बनाओ, इस तरह आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा। ओ पैक स्टैंड फॉर, एक सी पैक है वो लैदा है, ओ पैक लैदा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, हु स्टार्टेड मुगल एम्पायर, मुगलों का दौर किस से शुरू हुआ, ज़हीरुद्दीन बाबर से। डिफेंस डे 6 सितंबर, जहांगीर खान वाज प्लेयर ऑफ, जहांगीर खान किसका प्लेयर था, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन स्क्वैश का। सी आई ए हेड क्वार्टर इज इन लैंगले मैकनन, यूएस में है, बाकी ये सिटी देख लीजिए। सियासिता बुक्स, सियासिता की कितनी बुक्स हैं, 6। हाउ मैनी आयात वर फर्स्ट वही, पहली वही में कितनी आयात हैं, 5 आयात हैं जो हम पढ़ते हैं अक्सर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इकरा बिस्मी रब्बी का, इस तरह जो आयत है ना, वो वाली फर्स्ट आयत है। डेथ एंगल, मौत का फरिश्ता किन को कहा जाता है, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को। बालाकोट इज़ ऑन विच रिवर, बालाकोट मोस्ट जो है ना फेमस सिटी है, कुनार रिवर पे आइए। सीट्स ऑफ वेमेन इन नेशनल असम्बली, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और ये ISSB में भी कभी कभार आ जाते हैं। 60 सीट्स ऑफ वीमेन इन सेनेट, 17। विच पार्टी वन द इलेक्शन इन 2008, ठीक है 2008 में कौन सी पार्टी इलेक्शन जीती थी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, पीपल पार्टी। इस्लामाबाद इज़ ऑन माउंटेन रेंज, इस्लामाबाद कौन सी माउंटेन्स के दरमियान है, मार्गला हिल्स के दरमियान है। और उसके बाद है विच एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर इलीगल वेपन, तो दरा आदम खान जो है वो इलीगल वेपन्स के बारे में ज़्यादा मशहूर है क्योंकि इनके पास लाइसेंस है बरसगीर के दौर का और वो लाइसेंस इनको परमानेंटली मिला है और वो एक्सपायर नहीं हो सकता, तो बाकी ये पाकिस्तान में तो इलीगल है बाकी इनको एलो है। हेडक्वार्टर ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक इज़ इन वाशिंगटन DC US में। टैक्सिला इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट, टैक्सिला किस सिटी में है, तो वो रावलपिंडी में है। मुस्लिम बैग इज़ फेमस फॉर क्रोमाइट, ठीक है। फर्स्ट वेमेन शहीद ऑफ इस्लाम,
समिया बिनते खब, जिसको इनको मेरे ख्याल में कि अबू जहल ने शहीद किया था, ठीक है ना। रेन ऑफ कच बाउंड्री इज आल्सो कॉल्ड 24 पैरेलल लाइन। फादर नेम ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज़ा। फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट विजिट इन पाकिस्तान डेविड ई शोवर। ठीक है, तो बेटा एक क्वेश्चन हो रहा है जो मेरे जहन में आ रहा है, मोस्ट रिपीट हुआ लास्ट टाइम, के साइनोनियम ऑफ विल्ड, विल्ड का साइनोनियम बताएं, और साइड ऑफ प्रिज्म, फाइव इसका आंसर है साइड ऑफ प्रिज्म। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम रिपीट हुए हैं, तो आपने इन दोनों को भी जहन में रखने। तो बाकी बेटा नोट्स को ले लीजिए, इंशाल्लाह आपका टेस्ट ईजिली क्लियर हो जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी नोट्स से, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक्सपीरियंसेस के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।